नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दूसरा दिन है कांगड़ा ज़िला का दौरे का, जो एक लंबे दौरे के साथ वो यहां पर आए हैं। सर्किट हाउस के साथ जो है अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है काफिले के साथ जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये दूसरे दिन की बैठक का दौर है, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर बात की जाए साथ में तो NIC जाना है। Thank you.
It is a matter of great pride that the souvenir and other publications are being released by our Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Sukhvinder Singh Sukhuji. Thank you, sir. देखिए सज्जनों, प्रदेश भर में अनेक ग्राम वन विकास समितियों का गठन किया गया है। चुनिंदा ग्राम वन विकास समितियों को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्चुअल माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रामनाथ सिंह को ग्राम वन विकास समिति सर्वे जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कुल्लू के भुट्टी वन परिक्षेत्र में ग्राम वन विकास समिति सरली का गठन नवंबर 2019 में किया गया। समिति ने अभिसरण के माध्यम से 7 लाख रुपए के कार्य करवाए। ग्राम वन विकास समिति सरली के सहयोग से गठित लक्ष्मी व जागृति स्वयं सहायता समूह ने आजीविका सुधार के कार्य शुरू कर दिए हैं और अपने उत्पादों की मार्केटिंग से आजीविका कमा रही है। पूरी परियोजना क्षेत्र में ग्राम वन विकास समितियों का मूल्यांकन 15 मापदंडों के आधार पर किया गया, जिसके अनुसार ग्राम वन विकास समिति BFDS सर्वे में राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए समिति को 50,000 रुपए की राशि के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। और अब मेरा आग्रह है श्री महेंद्र सिंह जी से ग्राम वन विकास समिति जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत वन मंडल और वन परिक्षेत्र मंडी में ग्राम वन विकास समिति सैन टोना ब्यू का गठन फरवरी 2020 में किया गया। वन्य जीव संरक्षण, वन की सुरक्षा और पौधरोपण क्षेत्रों में सिंचाई और पौधों को आग से बचाने में भी ग्रामवासी हर वर्ष सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम वन विकास समिति के सहयोग से गठित मृतिका व लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ने आजीविका सुधार के कार्य शुरू कर दिए हैं और अपने उत्पादों की मार्केटिंग से आजीविका कमा रहे हैं। पूरी परियोजना क्षेत्र में ग्राम वन विकास समितियों का मूल्यांकन 15 मापदंडों के आधार पर किया गया, जिसके अनुसार ग्राम वन विकास समिति BFDS सैन टोना देव के राज्य भर में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए समिति को 35,000 रुपए की राशि के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। और अब मेरा आग्रह है श्री धरम जी से जय विविधता प्रबंधन उप समिति चौहाल कृपया मंच पर प्रसिद्ध है। जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत वन्य जीव मंडल व वन्य जीव वन्य के माध्यम से 5,50,000 रुपए के कार्य करवाए। पूरी परियोजना क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन उप समितियों का मूल्यांकन 15 मापदंडों के आधार पर किया गया, तृतीय स्थान प्राप्त किया गया और इस उपलब्धि के लिए जैव विविधता प्रबंधन उप समिति को 25,000 रुपए की राशि के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। और हमारा आग्रह है श्री सेंजराम जी से ग्राम वन विकास समिति मदारा सराही जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत वन मंडल रामपुर के वन परिक्षेत्र सराहन में ग्राम वन विकास समिति मदारा सराही का गठन सितंबर 2019 में किया गया। समिति ने जल संरक्षण के लिए एक भंडारण टैंक का निर्माण किया। ग्राम वन विकास समिति BFDS मदारा छलाई को 15,000 रुपए की राशि सांख्य पुरस्कार के रूप में दी जा रही है। तो ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जायका के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जो कार्यक्रम शिमला के पीट्रोप में हो रहा है, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री यहां से जुड़े हुए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ग्राम वन विकास समिति अरोही मनो। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। इस स्ट्रीम पर ज्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना। नमस्कार।